उत्तराधिकार देने के पीछे आप कारण क्या मानते हो? और दूसरा ये मोहन यादव वाला दांव जो चला है बीजेपी ने, इसका यूपी में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो सियासत है देश की या उत्तर प्रदेश की, जिसमें परिवारवाद, भाई भतीजावाद, ये सब एक जुमला है खाली, क्योंकि कोई नेता इसको मानता नहीं है और ना अपने पर इसको लागू करता है। ये सबसे पहले बात, आरोप लगता था मुलायम सिंह के परिवार पर कि परिवारवाद है, बहुत बड़ा परिवार है, लालू मुलायम ये लोग लगते थे। लेकिन अब मायावती ने भी, वो इकलौती बची थी, उन्होंने भी अपने भाई और भतीजे पर पूरी पार्टी को आगे बता दिया कि वही लेकर जाएंगे। तो ये साफ है कि कोई भी सियासत बिना परिवार के नहीं चल पा रही है किसी भी पार्टी के। एक और आप संयोग देखेंगे कि उत्तराधिकार का भी एक दौर है देश की राजनीति में। कांग्रेस में राहुल आए, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी में अब आकाश आनंद। लेकिन ये महज तीनों का संयोग भी आप देखिए कि ये तीनों विदेश में पढ़े हुए हैं, राहुल भी, अखिलेश भी और आकाश भी, और अब ये लोग सियासत की पिच पर हैं। कौन कितना कामयाब है ये, इसका आकलन आप इस चीज़ से कर सकते हैं कि मुलायम सिंह ने अपने रहते अपना उत्तराधिकारी घोषित किया अखिलेश को और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उनको स्थापित करने के बाद वो सियासत से विदा हुए। एक उनके पास उन्होंने अखिलेश यादव को एक लंबी विरासत दी, जिसमें अखिलेश यादव खुद 3 बार सांसद रहे, एमएलसी रहे और अभी वो विधायक और नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन आकाश के पास अभी इतनी कोई इसमें से एक भी स्थिति नहीं है। तो अभी उन्हें सियासत में बहुत ज़मीन नापनी पड़ेगी, तब वो आकाश में कहीं पहुंच पाएंगे, एक बड़े आकाश में। ब्रजेश जी, मायावती के सामने संकट यह है कि उत्तराधिकारी तो उन्होंने घोषित कर दिया, लेकिन उनके पास एक विधायक है, ना वो अभी एमएलसी बना सकती हैं, ना राज्यसभा मेंबर बना सकती हैं, चुनाव लड़ा सकती हैं। आकाश आनंद को ये कर सकती हैं। तो ये है, अब ये देखना होगा कि नए ज़माने के जो नेता हैं वो तिलक तराजू वाले उन नारों से आगे जाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर पार्टी को किस ओर ले जाते हैं। जहाँ तक रही है बात मोहन यादव की, तो मोहन यादव की तो ससुराल बता रहे हैं लोग कि सुल्तानपुर में है, वहाँ पर वो उनका आना जाना भी रहा है और वो मुख्यमंत्री हो गए हैं। लेकिन बीजेपी ने पुराने दिग्गज नेताओं को अब मौका देना बंद कर दिया है, नए लोगों पर वो दांव लगा रही है। जी, ये बात साफ है कि जब सब वोट मोदी के नाम पे मिल रहा है और भाई मोदी भी पार्टी चला रहे, प्रधानमंत्री हैं, तो वो यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं, दलित को बनाएं, आदिवासी को बनाएं, अपनी वो भी गुणा भाग तो करेंगे ही। और यूपी बिहार में बड़ी सीटें हैं, मध्य प्रदेश में तो लोकसभा की 29 सीटें हैं, यूपी में 80 है। लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के यादव में बड़ा अंतर है और यहाँ के चुनावी समीकरणों में भी बहुत अंतर है। तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी इस पर आप कहिए कोई चमत्कार होगा तो ये थोड़ा मुश्किल है। ब्रजेश जी, एक बार काशी राम ने कहा था 2001 में, जब मायावती को उत्तराधिकारी बनाया था, कि जो मिशन था दलित समाज के उत्थान का, उसका काम पहले महात्मा फूले ने शुरू किया, फिर साहू जी महाराज ने चलाया और एक टाइम में कांसी राम ने चलाया, फिर उन्होंने मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो कोई परिवार का सदस्य उसमें नहीं था, तो ये एक बड़ी समस्या थी। अब परिवार के लोग आ गए हैं, तो अब आकाश के सामने तमाम चुनौतियां होंगी। आकाश में वो आप राजनीतिक क्षमता देखते हैं कि वो बीएसपी जैसी मिशन वाली पार्टी को आगे ले जा सके? देखिए, अभी तो उनको एक आध चुनाव लड़ना होगा। अभी तो उत्तर प्रदेश के बाहर वो काम कर रहे हैं, अभी तक उनका सार्वजनिक जीवन में कहा जाए इस तरह से सियासत में भी प्रवेश होना बाकी है। तो अभी क्या वो करते हैं और किस तरह से पार्टी के लिए उपयोगी, ये तो आगे पता चलेगा। जिस तरह से राहुल गांधी या अखिलेश यादव आज देश की सियासत में आगे जा चुके हैं, अभी उनको एक पार्टी के क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर अभी उनको बहुत काम करना है। ब्रजेश जी, ये ज़रूर है कि मायावती का भी एक दौर था, लेकिन इज्जत, शोहरत, नाम ये सब हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। सबका एक दौर होता है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो ये सब आनी जानी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है जी कि कुनबा बढ़ाते रहना चाहिए। वक्त बेवक्त वही काम आता है। अगर कुनबा बढ़ाने पे कहा जाए तो एक छोटा सा चुटकुला सुना दूं कि एक बार एक बाबा जी थे, उनके पास एक महिला आई। उसने कहा, बाबा 10 साल हो गया शादी, मेरे एक भी बच्चे नहीं हैं। तो बाबा ने कहा, चिंता न करो बेटी, मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, वहाँ दिया जलाऊँगा और तुम्हारे परिवार आगे बढ़ेगा। 10 साल बाद बाबा लौटे, महिला के घर के सामने 10 बच्चा खेलत हुए मिले। तो बाबा ने बड़ी प्रसन्नता हुई और महिला से कहा, भाई मुबारक हो, बच्चों के पापा कहाँ हैं? तो महिला ने कहा, बाबा केदारनाथ गंवा है बच्चों के पापा। तो कहीं वो क्या करे, कहीं वही दिया बुझावे गए हैं जो ना आप जला के आए रहे हो। तो ये बड़ी समस्या है जी, आबादी भी बढ़ती जा रही इस देश में। बहरहाल सियासत में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। कोई स्टेट में पावर में आना चाहता है, कोई केंद्र में पावर में। सब कहते हैं कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, लेकिन युवाओं के हाथ में टेक्नोलॉजी है, शिक्षा है, विदेशी शिक्षा भी है, और ये लोग आगे ले जाएं देश को, इस उम्मीद से चीज़ें चल रही हैं। मालविका जी लखनऊ की एक कवित्री हैं, उनका बहुत अच्छा शेर है, सुनिएगा। कि दर्पण देख संवर गए कितने, अपने पर ही मर गए कितने, और ख्वाबों की खेती को सच के कीट पतंगे चर गए कितने, और प्यार वफा ईमान की बातें करके लोग मुकर गए कितने, और फाइलें सब योजनाओं की चूहे रोज कुतर गए कितने। बड़ा तनाव दे दिया आपने सुरेंद्र राजपूत के कि आप वो किसका शेर पढ़ें और आपको जवाब दें। वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट ऑब्जर्वेशंस उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस महत्वपूर्ण सामाजिक